सीआईए फगवाड़ा ने दो व्यक्तियों वख वख नाकियां तो हेरोइन समेत गिरफ्तार करने विच सफलता हासिल की है। इस संबंधी जानकारी देंदे सीआईए स्टाफ फगवाड़ा के इंचार्ज सिकंदर सिंह ने दसिया कि एएसआई सुरेंद्र सिंह ने टीम नाल भुलराई चौंक से एक कार सवार व्यक्ति नूं शक के आधार पर रोकया। दौराने तलाशी उस पासों 25 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार किए व्यक्ति की पहचान मनीष वजो हुई है। उन्होंने कहा कि इस तो इलावा सब इंस्पैक्टर पंकज कुमार ने पिंड वजीदोवाल के गोदाम नज़दीक तो एक पैदल आ रहे व्यक्ति को दौराने तलाशी 10 ग्राम हैरोइन बरामद की। पुलिस अधिकारियों मुताबक दोषी की पहचान करण वासी मजीठा वजो हुई है। सब इंस्पैक्टर सिकंदर सिंह मुताबक उक्त दोवें दोषी बड़े पद्धर से नशे की सप्लाई करते सन ते इह ग्राहकां सस्ती हैरोइन लैके महंगे मुल से बेचते सन। फिलहाल पुलिस ने उक्त दोषियों खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। मानयोग SSP साहब श्री राज बचन सिंह संधु की रहनमई हेठ जिहड़ी नशियां दे खिलाफ वड्डे पद्धर ते मुहिम चलाई हुई है, उस तहत SPD साहब जगजीत सिंह जी सरोआ की देखरेख हेठ CA स्टाफ फगवाड़ा वालों वख वख टीमों का गठन किया गया, जिस दी जिहड़ी कमांड आ वह पंकज सब इंस्पैक्टर ते सुखविंदर सिंह ASI दो टीमां बना के भेजी गई सीगियां। उस समय जिहड़ी वड्डी सानू सफलता मिली जदों असी भुल्ला राई चौंक विच एक गड्डी जिहड़ी आ पेंटो कार आ रही सी जिहनू उत्थे रोक के चैक किया, जिहनू मनीष कंडा चला रहा सीगा। जदों उहनू रोकिया ते उहने यकदम गड्डी विचों लफाफा बाहर नूं सुट्टा ते साडी पुलिस पार्टी ने उहनू चैक किया, दबोच लिया ते उहदे कोलों जिहड़ी आ 25 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। नाल असीं कार गड्डी भी कब्जे 'च लै ली ते दोषी ते हैरोइन जिहड़ी आ उहदे संबंधी असीं मुकदमा नंबर 52 NDPS एक्ट तहत थाना सदर विच दर्ज किया गया। दूजे पासे मजीदोवाल लागे गोदामा लागे पंकज कुमार सब इंस्पैक्टर ने नाका लाया हुआ सीगा, जिहड़ा उत्थे एक मुंडा पैदल तुरिया आउंदा सीगा उहनू जो पुलिस पार्टी नूं देखिया ते उह यकदम पिछे नूं मुड़ लगा, उहदी चैकिंग कीती उहदे कोलों 10 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੂ ਵਾਸੀ ਮਜੀਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 53 NDPS ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।